स्टूडेंट्स, आज इस ऑनियन वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिजन्स की। अब तक हम कवर कर चुके हैं इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ मास मोशन। फिर हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंपल्स की। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टेकन अप एंड बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा कॉलिजन। हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लें या अपने स्कूल एग्जाम्स की बात कर लें, कॉलिजन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। सो माई डियर स्टूडेंट, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बहुत क्लियर मैं बता देता हूँ कि ऑनियन फिजिक्स इज अ नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम, जिसमें इंस्टीड ऑफ थ्योरी और एग्जाम्पल फॉर्मेट टीचिंग हम सिचुएशन बेस्ड टीचिंग करते हैं, कि अलग अलग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। एंड वी स्ट्रांगली एडवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो लेट पब्लिश होते हैं वीडियोज वो वीडियोज आप तक टाइम से पहले पहुंच जाए। एंड अनदर थिंग इज, हमारे वीडियोस का शेड्यूल संडे को रिलीज हो जाता है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप हमारे फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियोस से बेस थ्योरी जो मिनटों में कवर की जा सकती है उसे कुछ मिनटों में ही कवर करके बेस नोट्स बना के रखें, ताकि ऑनियन फिजिक्स लेक्चर्स उस पर सोने पे सुहागा जैसे आपके कॉन्सेप्ट को अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और रेफरेंस मटेरियल के लिए हमने बुक रेफर की हुई है फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1, तो इस बुक को साथ साथ फॉलो करते रहिए। जो जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उसकी असाइनमेंट्स भी करते रहिए। बुक में सारी एक्सरसाइजेस फुली सॉल्वड है, और एक ओलंपियाड स्टूडेंट्स के लिए कंसॉल्व एक्सरसाइज भी लास्ट में है। वैरायटी ऑफ केसेस इस बुक के अंदर हैं, जो आप साथ साथ जैसे जैसे कवर अप करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एमसीक्यू एक्सरसाइज, एडवांस एमसीक्यू एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल डेवलप करती जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ कॉलिजन, एंड द वेरी फर्स्ट सिचुएशन आई एम गोइंग टू टेक इज अ बॉल हिटिंग अनदर बॉल। सो इस लेक्चर में मैं लीनियर कॉलिजन या हेड ऑन कॉलिजन के बारे में बात करूंगा, जिसमें एक ही सिचुएशन पे सारी चीजें हम कवर अप कर लेंगे कि एक बॉल उसके सामने वाली दूसरी बॉल को अगर हिट करती है और इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है तो क्या होगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल्स आफ्टर इंपैक्ट। एक M2 मास की बॉल रेस्ट पे है और M1 मास की बॉल आके उस पर स्ट्राइक कर रही है। आप इन बॉल्स को डिस्क भी मान सकते हैं, टॉप व्यू ले सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर एक डिस्क दूसरे डिस्क को हिट कर रही है, इट इज वन एंड सेम थिंग। या ग्राउंड के ऊपर ले सकते हैं कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड विच इज स्मूथ, और इस ग्राउंड पे बॉल चल के आ रही है और इसी बॉल को हिट कर रही है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर कॉलिजन, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर और हेड ऑन कॉलिजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर लीनियर या हेड ऑन कॉलिजन की हम बात करें तो इसका मतलब है जब ये बॉल आके इससे स्ट्राइक करेगी तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स एंड डेवलप होगा, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, बेसिक थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग, बट समहाउ जो प्रीवियस लेक्चर ऑफ इम्पल्स था वो कई जगहों पर आपके काम भी आने वाला है। सो इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉल्स ई एंड बी व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग, तो ये बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए लगेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा। एंड इफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडीज, तो ये एक ही लाइन में मूव करेंगी। सो क्लियर कट पॉइंट है, लीनियर हेड ऑन कॉलिजन इंप्लाइज वन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज एक्ट अलोंग लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। अगर ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, इन दैट केस द कॉलिजन इज कॉल्ड अ लीनियर कॉलिजन और अ हेड ऑन कॉलिजन। तो ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसको आप देखिए रिटार्ड करेगा, और ये क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था इसको एक्सेलरेट करेगा, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1। नाउ इन दिस केस इफ वी ट्राई टू राइट दी JP इक्वेशन, यानी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की हम बात करें फॉर बॉल ए एंड बी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग। सो वी कैन राइट इफ कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ बॉल्स इज डेल्टा टी बाई JP इक्वेशन वी यूज। आप देखिए फॉर बॉल ए अगर JP इक्वेशन लिखेंगे तो व्हाट विल राइट फॉर बॉल ए, वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम वाज MU और नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट करा है, तो वी कैन राइट माइनस n डेल्टा t इज इक्वल्स टू MV1। दिस इज आवर इक्वेशन 1। फॉर बॉल ए, क्योंकि n इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए, अगर बॉल ए को इंडिपेंडेंट कंसिडर करें, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फॉर बॉल बी,
तो हियर वी कैन सी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल वी वाज जीरो प्लस एंड डेल्टा टी जो इम्पल्स लगेगा वो बी को एक्सेलरेट करेगा एंड दिस विल बी एम वी टू दिस इक्वेशन नंबर टू और यहाँ से अगर हम वन प्लस टू करते हैं तो सी वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिलेशन एंड डेल्टा टी गेट्स कैंसल आउट इट गिव्स एम यू इज इक्वल्स टू एम वी कैन ऑल्सो राइट एम वन एम टू आई हैव टेकन सिंपली एज एम सो दिस एम वन यू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस M2 V2. Just have a look on the situation. This equation indicates the conservation of linear momentum. Before collision momentum was M1U, after collision momentum was M1V1 plus M2U2. So linear momentum conservation ki jo equation hai, wo directly aap JP equation se deduce kar sakte hain. Ya agar aapko impulse ke baare mein idea hai, to linear momentum equation se aap JP equations bana sakte hain either ways. So this is important to understand about analysis of motion. आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन आप ये देखिए इनको जब ऐड किया तो क्योंकि ये इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम का एन एक इंटरनल फोर्स है तो ये कैंसिल हो गया हमेशा जब भी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की सारी जेपी इक्वेशंस आप ऐड करते हैं तो फाइनली वो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बन जाती है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इंडिविजुअल ए और बी के लिए एन एक्सटर्नल फोर्स था बट जैसे हमने दोनों को कंबाइन किया एन विल एक्ट एज एन इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम क्योंकि ए और बी के बीच में लग रहा है इसलिए वो गायब हो गया एंड फाइनली वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अब इसी बेस्ड कई सारे केसेज और बनते हैं लेट अस टॉक अबाउट वन आफ्टर अनदर सो दैट will be able to understand the collisions and applications of collisions in a much better way. Poji, clear karein. थैंक यू भाजी सो स्टूडेंट एक और केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेयर द बॉल ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटीज यू वन एंड यू टू यू वन इज ग्रेटर देन यू टू तो ए जाके बी को हिट करेगी और क्वेश्चन में पूछा गया इफ कॉलिजन इज इलास्टिक वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन सो क्वेश्चन सिंपल सा आपने शायद करा भी होगा लेकिन इसको थोड़ा अलग ढंग से हम हैंडल करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे वेरियंट्स अभी हमको देखने हैं तो सबसे पहली चीज वैन वी टॉक अबाउट इलास्टिक सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म टाइप्स ऑफ कॉलिजन types of collisions based on material जब हम material की बात करते हैं जिन material का collision हो रहा है तो उस material की जो elasticity है that defines the type of collision so this can be of three types one is elastic where we consider E is equals to 1 where E is the coefficient of restitution You need to know what do we mean by coefficient of restitution. It is a ratio of relative velocities after collision to before collision. That we'll discuss in detail. Next is partial elastic. Where we consider E less than 1 and other is inelastic where we consider E is equals to 0. And the value of E is post collision if the velocity changes to V1. And its velocity changes to V2. So, हम after collision जो relative velocity होगी वो होगी V2 minus V1 और before collision जो initial velocity है that is U1 minus U2 because this considered in magnitude. So, अब यहाँ mod लगाने की जरूरत actually मुझे नहीं थी क्योंकि मैंने U1 minus U2 ले लिया but for explanation I have kept a mod over here. So, in this situation आप ये कह सकते हैं this is the restitution which defines what type of material are being used. Now, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन की तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन जब भी एक कॉलिजन होता है पहली चीज़ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है अगर ग्राउंड हमको स्मूथ दिया हुआ है दैट मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन द सिचुएशन सो मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड सो वी कैन राइट एज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू M1 V1 plus M2 V2 this is our first equation हमेशा collision के cases में अगर head on linear collision है तो आप ये मान के चलिए हमेशा आप क्या करेंगे एक momentum conservation equation लिखेंगे elastic collision है तो you are going to use this equation where E will be taken as 1 so from here another equation we are getting is V2 minus V1 is equals to U1 minus U2 because यहाँ पे E का value हम 1 ले रहे हैं this is our second equation आप ध्यान से देखो V1 V2 में दो equation है दो ही variable है solving 1 and 2 आपके पास directly result आ जाएगा और ये result आपको tips पे याद भी रखना है final V1 is written as M1 minus M2 upon M1 plus M2 multiplied by U1 plus 2m2 upon m1 plus m2 multiplied by u2 ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे यहीं पे मैं v2 का भी रिजल्ट लिख देता हूँ विच गिव्स m2 minus m1 upon m1 plus m2
मल्टीप्लाइड बाई यू टू प्लस टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई यू वन, और वैक्टोरियली और आप इन रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. वैक्टोरियली डजेंट मीन टू डायमेंशनल कॉलिजन, वैक्टर थ्री डी में भी हो सकता है, बट ये वाले रिजल्ट भले यहाँ वैक्टर लगा रहे हैं, दीज आर वैलिड फॉर हेड ऑन कॉलिजन. ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वेक्टर सिर्फ यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फॉर अ लीनियर कॉलिजन ओनली वी आर यूजिंग दिस रिलेशन. आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और डायरेक्टली गेटिंग दिस. वेक्टोरियली चाहें तो वेक्टर सप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. अब यही रिजल्ट कई तरह के केसेस को डायरेक्ट डिड्यूस करने में काम आते हैं. बहुत सारे एप्लीकेशन में वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट. सो अभी हम बात करें इलास्टिक कॉलिजन की, तो सबसे पहले इलास्टिक के ही और केसेस देख लेते हैं, सो दैट सारी वैरायटी हम यहाँ पे केसेस के साथ कवर अप कर लें. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, केसेस के जो हमने रिजल्ट अभी निकाले थे कि दो बॉल्स अगर ट्रेवल कर रहे हैं विद द वेलोसिटी u1 u2, तो कॉलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज ये होंगी इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक. केस स्लाइटली चेंज हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग द फाइनल स्पीड ऑफ बॉल्स, बट यहाँ पे एक बॉल जो m2 है वो रेस्ट पे, और ए बॉल जो यू से आ रही है वो इसको कोलाइड कर रही है. तो रेस्ट का मतलब डायरेक्टली वी कैन इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी यू टू ऑफ मास एम टू इज जीरो. और अगर यू टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे राइट वाली सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म जीरो हो जाएगी. नाउ इन दिस केस इफ वी केयरफुली हैव अ लुक इन दिस सिचुएशन, आप ध्यान से देखें, अगर यू टू को हम जीरो कर देते हैं वॉट विल हैपन इन दिस सिचुएशन. अब देखो, और साथ में हम केसेस बना लेते हैं. से केस वन वी टेक If m1 is equals to m2 is equals to m. अगर बॉल्स इक्वल मास की हैं तो क्या होगा, ये आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आप ध्यान से देखिए, दीज रिजल्ट आर गिविंग अस अ वैल्यू v1 is equals to 0 एंड v2 is equals to u1. जस्ट हैव अ लुक, इनिशियल वो रेस्ट पे थी और आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ गई और सेकेंड बॉल u1 से चलना शुरू हो गई. दिस वॉज u1. सो इन दैट केस वी कैन से वेलोसिटीज आर स्वैप्ड. ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये u1 और u2 होते और मासेस बराबर होते तो क्या होता. अगर यहां पे बराबर हैं, इफ m2 इज मूविंग एट u2, अगर वो रेस्ट पे नहीं होती, u2 से चल रही होती तो क्या होता. इन दैट केस आप देखो, v1 का वैल्यू u2 हो जाता और v2 का वैल्यू u1 हो जाता. जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज वैल्यूज. अगर मासेस बराबर हैं और इन दैट केस u2 जीरो नहीं है, देन दिस वुड बी द रिजल्ट विच स्टिल सेज वेलोसिटीज आर स्वैप्ड. यानी अगर मासेस बराबर हैं और कॉलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटीज स्वैप होंगी. सेकेंड वाली रेस्ट पे तो पहली रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी उस वेलोसिटी से चल जाएगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे बेस्ड आपने कई सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं. सो आई थिंक यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल प्रोसीड फर्दर. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट. पोजी, थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सिचुएशन हम केस टू की बात करते हैं. यहाँ पे अभी हमने केस वन लिया था, वन एम वन इज इक्वल्स टू एम टू. सो केस टू वी आर टॉकिंग इफ एम वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम टू, यानी फर्स्ट बॉल बहुत बड़ी और सेकंड बॉल बहुत छोटी है, देन व्हाट विल हैपन. इन सच केसेस सेम रिलेशंस को हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं. अगर m1 बहुत बड़ा है तो m2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन दैट केस, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉल वन रिमेन सेम, इट रिमेन सेम. यानी जो बॉल का साइज बहुत बड़ा है उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द स्मॉलर बॉल इफ यू जस्ट चेक, सो द वैल्यू ऑफ v2 वी आर गेटिंग इट हेयर. m1 इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू m2, तो दिस गिव्स माइनस u2, एंड हेयर वी कैन कैंसिल m1, m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस 2u1 माइनस u2. वैक्टोरियली ऑल्सो यू कैन राइट दीज रिलेशंस, ताकि बॉल की डायरेक्शंस किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक दूसरे की तरफ है तो केस इस तरह से एनालाइज होगा कि आप प्लस और माइनस के साथ लेंगे. दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यही चीज़ हम एक और केस की तरह से ले सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, थर्ड केस की यहाँ पे हम बात करते हैं, जिस केस के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं एम वन इज वेरी वेरी लेस देन एम टू. कंपेयर टू द प्रीवियस केस में थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्वीकिंग कर देता हूँ, यहाँ करेक्शन कर देता हूँ. पिछले केस में मैंने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉल्स को लिया था, वो एक्चुअली अगर केस होगा तो ये ऑब्लिक कॉलिजन हो जाएगा, क्योंकि जब छोटी बॉल बड़े से या बड़ी बॉल छोटे से एक सरफेस पे कोलाइड करेंगी तो उसकी जो कॉन्टैक्ट फोर्स का इम्पल्स है वो अलॉन्ग लाइन ऑफ मोशन नहीं होगा. इसलिए मैंने उसी करेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप व्यू लिया है. वी कंसिडर दिस एज अ टॉप व्यू
एंड द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी आर कंसिडर टू बी सेम. और पिछला केस भी जो हमने एनालाइज किया या दोनों रिलेशंस यूज करके हमने पिछले केस में भी जो रिजल्ट निकाले थे वो इसी केस के लिए निकाले थे. तो आप बॉल्स को सेम साइज का मान सकते हैं ताकि सेम रिलेशन होल्ड्स. बट द फर्स्ट बॉल जहाँ पे हमारी ए बॉल का साइज बड़ा था या मास ज़्यादा था उसको हाईली डेंस मान के साइज सेम मान के भी कर सकते हैं. नाउ इन दिस केस इफ वी री एनालाइज बिकॉज बी इज मच हैवियर तो यहाँ पे कह सकते हैं जो वी टू होगा दिस विल रिमेन सेम एज यू टू. हैवी बॉल पे फर्क नहीं पड़ेगा. आप यहाँ पे भी M2 को बहुत हायर लेके M1 को नेगलेक्ट करके देख सकते हैं. और जो फर्स्ट वाला वैल्यू है यानी V1 फर्स्ट बॉल की वैल्यू जस्ट चेक व्हाट वी आर गेटिंग. इफ M2 इज मच हायर दिस विल बी माइनस U1 प्लस 2 U2. दिस कैन बी रिटन एज 2 U2 माइनस U1. तो ये भी एक रिजल्ट हमारे सामने है जो याद करने में हेल्प करेगा कि हैवियर बॉल की वेलोसिटी को डबल करके लाइटर बॉल की वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये लाइट बॉल की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और हैवी बॉल की फाइनल वेलोसिटी रिमेन्स सेम. सो ये जो बेसिक कॉलिजन ऑफ बॉल अ बॉल हिटिंग अनदर बॉल का केस हम बात करें दिस एनालाइजेस द लीनियर कॉलिजन एट वेरियस लेवल. यहां पे जो हमने केसेस लिए दीज आर फॉर इलास्टिक कॉलिजन. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस इफ इलास्टिसिटी इज नॉट परफेक्ट और इफ द मटेरियल आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक देन व्हाट हैपेंस दैट आल्सो विल टेक. एक इलस्ट्रेशन एक सिचुएशन और लेते हैं इसी केस को और डिटेल में समझने के लिए. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट एक डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं अ बॉल हिटिंग मल्टीपल बॉल्स एट रेस्ट. इस पर भी कई वैरायटी के केसेस बन जाते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें एक बॉल ए चल रही है यू स्पीड से स्मूथ ग्राउंड इज देयर एंड टू बॉल्स इन कॉन्टैक्ट बी एंड सी आर एट रेस्ट. इलास्टिक कॉलिजन मान के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ए हिट करेगा क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स ए बी एंड सी आफ्टर कॉलिजन. तो आप यहां पे देखें अगर ये तीनों सेम मास की होंगी तो क्या होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन. इफ एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम. अगर तीनों का मास सेम है इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन ए जब बी से टकराएगा तो जैसा भी हमने पिछले केस में बात करी ए रेस्ट पे आ जाएगा और बी चलने लग जाएगा. जब बी चलेगा तभी तो वो सी को डिफॉर्म करेगा और जब वो सी को डिफॉर्म करेगा तो वो बी सी से कोलाइड करेगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है इलास्टिक कॉलिजन है. तो बी रुक जाएगा और सी चलने लग जाएगा. तो फाइनल स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी रेस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सी आगे निकल जाएगा विद द स्पीड यू क्योंकि सेम मास के केस में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं स्वैप हो जाती हैं. द सेम फिनोमेना यू माइट हैव सीन इन केस ऑफ न्यूटन्स क्रेडल जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं. मल्टीपल सिंपल पेंडुलम एक के पास एक अटैच रुके हुए होते हैं. फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एक साइड से पेंडुलम को लिफ्ट करके छोड़ा जाए तो ये हिट करता है और दूसरी तरफ वाला पेंडुलम शिफ्ट हो जाता है. बीच के सारे रेस्ट पे रहते हैं एंड दीज ऑसिलेशन विच यू कैन सी इन दिस फिगर इज कॉल्ड न्यूटन्स क्रेडल. या ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी बात करी है. ऑल दो द केस इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक. नेचर में कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है. दिस अ थ्योरेटिकल केस. इसलिए प्रैक्टिकल कंडीशन में न्यूटन्स क्रेडल जब ऑसिलेट करता है ओनली एजेस वाली बॉल्स ऑसिलेट होती हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एयर फ्रिक्शन और बॉडी इलास्टिसिटी की वजह से धीरे धीरे डैम्प होते होते रेस्ट पे आ जाता है. बट दिस द वे हाउ इट इज एनालाइज. बट अगर हम बात करें केस टू की यहां पे इफ एम ए इज इक्वल टू एम एम बी इज इक्वल टू टू एम एंड एम सी इज इक्वल टू एम. या इस तरह के कई कॉम्बिनेशन आप खुद बना के एनालाइज कर सकते हैं. आई एम लीविंग इट टू यू. आप इस केस में क्या करेंगे पहले ए और बी के कॉलिजन से वी वन और वी टू यानी वी और वी बी निकालेंगे विद द रिलेशन वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड एंड पोस्ट दैट फिर इस वी बी को और इसको सॉल्व करके VB को आप इनिशियल वेलोसिटी लेंगे VC को जीरो लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके VB फाइनल और VC फाइनल की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पहले A और B का कॉलिजन होगा विच आर वेलोसिटीज यू आर गेटिंग देन B और C का कॉलिजन होगा. आई वांट यू टू केयरफुली एनालाइज और कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करें VA की फाइनल वैल्यू VB की फाइनल और VC फाइनल इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रही हैं सो दैट आप आपस में एनालाइज करके देख भी सकते हैं वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स और नॉट. आप सब लोग जब पोस्ट करेंगे तो एक दूसरे के रिजल्ट को वेरीफाई करके एनालाइज कर सकते हैं. तो इस तरह के कई कॉम्बिनेशन आप खुद भी बना के एनालाइज कर लीजिए हाउ विल हैंडल. देयर कैन बी मोर देन टू बॉल्स आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर या इंस्टेड ऑफ बॉल्स पेंडुलम भी दिए जा सकते हैं अलग अलग मासेस के. कॉरेस्पॉन्डिंगली हम उन्हीं रिलेशन से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पढ़े थे. आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ. पोजी क्लियर करें.
थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट एक और सिचुएशन यहाँ पे हम इलास्टिक कॉलिजन का ही एक केस बात कर रहे हैं, दैट इज अ बॉल फॉलिंग ऑन अ मूविंग बोर्ड. नाउ इन दिस सिचुएशन आप देखें यहाँ पे एक बोर्ड है जिसका मास m1 है एंड देयर इज अ बॉल ऑफ मास m2. बॉल रेस्ट से रिलीज होती है जब ये बोर्ड से h हाइट पे एंड बोर्ड इज मूविंग अप विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी u0 और m1 इज गिवन दैट इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2. क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट टू विच बॉल विल राइज आफ्टर हिटिंग द बोर्ड. बोर्ड पे हिट करने के बाद मैक्सिमम बॉल कितनी हाइट पे राइज करती है दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो माय डियर स्टूडेंट इन दिस सिचुएशन हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे जो हमने सिचुएशन टू में बात करी थी या ये कहें सिचुएशन वन के थर्ड केस में बात करी थी कि एक बॉडी का मास बहुत हाई है, सेकंड और थर्ड केस वही थे, और एक का मास लाइट है. सो इन दैट केस हाउ विल एनालाइज. सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कॉलिजन किस जगह पे होगा. ये अगर यू नॉट से चल रहा है और ये रेस्ट से गिर रहा है तो हम ये मान सकते हैं इट हैज फॉलन बाय डिस्टेंस एक्स एंड इट हैज गोन अप बाय एच माइनस एक्स एंड एट दिस पॉइंट द बॉल इज हिटिंग द बोर्ड. ये पॉइंट बहुत इजीली निकाला जा सकता है अगर टी वन टाइम पे कॉलिजन होता है. इनिशियल सिचुएशन इज टी इक्वल्स टू जीरो. सो टी वन टाइम पे बोर्ड कितना डिस्टेंस चलेगा, दिस एच माइनस एक्स कैन बी रिटन एज यू नॉट टाइम्स टी वन. और टी वन टाइम में बॉल कितना गिरेगी, दैट इज हाफ जी टी वन स्क्वायर. सो डायरेक्टली यू कैन एनालाइज अगर टी वन टाइम पे हिट हो रहा है तो एक्स कैन बी रिटन एज हाफ जी टी वन स्क्वायर. आप इसमें से टी वन को एलिमिनेट कर दीजिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, एक्स का वैल्यू आ जाएगा. आई एम नॉट इंटेंडिंग टू सॉल्व द केस बट हाँ आपके पास एक्स आ जाएगा कि बॉल कितना डिस्टेंस गिरने के बाद फ्लोर को हिट करती है. आप टाइम भी निकाल सकते हैं, दिस इज अ केस ऑफ काइनेमेटिक्स कि कितनी देर बाद आप हिट कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा. नाउ जिस पॉइंट पे बॉल हिट कर रही है उस वक्त बॉल की वेलोसिटी होगी वी बी, और VB को लिखा जा सकता है. अब VB को आप कह सकते हैं या तो इसको आप लिख दीजिए GT1 या इसको लिख दीजिए रूट टू जी एक्स, आइदर वेज. क्योंकि रेस्ट से गिरी है तो x डिस्टेंस गिरने के बाद वेलोसिटी होगी रूट टू जी एक्स, या T1 टाइम बाद होगी GT. नाउ एट दिस मोमेंट बोर्ड इज स्टिल मूविंग विद द वेलोसिटी U0. अब आप यहां पे देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन सॉल्यूशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर हिटिंग द बोर्ड. बोर्ड को हिट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल लिखी जा सकती है. आपको रिलेशन ध्यान होगा हम जो हैवी बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी को डबल करके लाइट बॉडी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं. बॉल m2 है, ये m1 है, तो इट कैन बी रिटन एज 2u1 यू वन माइनस यू टू. और वैक्टोरियली एनालाइज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ u0. माइनस की जगह प्लस हो जाएगा बिकॉज बॉल्स वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस कैन बी रिटन एज रूट टू जी एक्स. सो एज वी हैव गॉट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट टू विच बॉल इज रेज्ड आफ्टर कॉलिजन आफ्टर टाइम टी वन, दिस कैन बी सिंपली रिटर्न एज एच मैक्स इज इक्वल्स टू वी फाइनल ऑफ बॉल स्क्वायर बाई टू जी. क्योंकि कॉलिजन के बाद जब बॉल यहाँ से बाउंस करेगी दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो ये वी स्क्वायर बाई टू जी हाइट तक राइज करेगी. दैट इज द फाइनल आंसर. यू कैन एवेल्युएट एंड चेक इफ यू आर एबल टू गेट द फाइनल रिजल्ट विद प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस और नॉट. ऑल्दो कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वो केस यूज किया है जिस केस के अंदर मास वन इज much higher compared to mass 2. So my dear student, due to an urgent message flashing in front of me in the message window, I need to break this lecture over here. So partial elastic or inelastic collisions hum agle lecture mein continue karenge. Although I was intending next 15-20 minutes leke is complete lecture mein main linear collision khatam karun, but in part 2 yani next lecture mein hum yahi se continue karenge. Stay tuned, achhi tarah se puri cheezon ko align kar lijiye. To yahan pe main abhi koi direct homework aapko nahi de raha hu, but physics galaxy volume 1 chapter 4 में से कॉलिजन को लीनियर कॉलिजन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इलस्ट्रेशंस देख लीजिए और कवर करके रखेंगे तो इट विल बी गुड. पार्शियल इलास्टिक और इनलास्टिक कॉलिजन का थ्योरी आई सजेस्ट आप अगर पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो से देख लेंगे तो अगला लेक्चर विल बी सोने पे सुहागा फॉर यू फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट. कुछ ही मिनट लगेंगे, कवर अप करके रखिए. विल कैरी ऑन वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर. विश ऑल द बेस्ट.